ये रहा मेरा चैनल, मैं लैपटॉप ओपन करके बैठी हूँ, अपनी चैनल को देख रही हूँ। मुझे अपना चैनल लैपटॉप में देखना बहुत अच्छा लगता है। इसमें आप लोगों का इतना सारा प्यार है, मुझे देख के बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपना छोटा सा सेटअप किया है, मैं आज आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और ये लैपटॉप दिखा अपने, और ये मेरा कीबोर्ड, जो नया कीबोर्ड मैंने लिया है। अगर अनबॉक्सिंग आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये रहा माउस, और ये माउस पैड मैंने सब दिखाया था आप लोगों को। ये रहा, ये मैंने सब सेटअप किया है। और ये रहा पावर बैंक, ये मेरा पावर बैंक है, ये यूएसबी है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, ये यहीं पे रहता है। और ये रहा मेरा वाटर बॉटल, मेरे टेबल पे हमेशा वाटर रहता है, क्योंकि मैं हमेशा पानी पीती रहती हूँ, हाइड्रेट रहना चाहिए हमेशा। और ये रहा जूस, ये मेरी जूस की ग्लास है। मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ग्लास बॉटल यूज़ करना, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। और ये रहा, ये सब मेरी बुक्स हैं, ये फ्लावर हैं, ये सारे सेटअप है टेबल पे। और जूस या हल्दी दूध, जैगरी दूध, कुछ भी रहता है यहाँ पे, कुछ हेल्दी जूस में कुछ ना कुछ यहाँ पे हमेशा रहता है, क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है, खाना पीना। ये तो ये चॉकलेट है यहाँ पे, मुझे अच्छा लगता है काम करते हुए चॉकलेट खाना। ये मेरे बाउल है, इसमें कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें, कैंडीज़, अभी तो फ़िलहाल ये चॉकलेट्स रखे हैं कैडबरी, ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये रहते, ये मेरे यहाँ पे हेडफोन्स रखे हैं, ये रहे कैंडल है वहाँ पे, और ये रहा हेडफोन, ये हेडफोन सोनी का है, ये हेडफोन बहुत ही अच्छा है। और ये रहा एयरफोन, ये सैमसंग के एयरफोन है, ये मैं इसे यूज़ करती हूँ फ़ोन में, ये काफ़ी अच्छा है। मेरे पास ये दो एयरफोन और ये हेडफोन रहते हैं। यहाँ पे मैंने एक नोटबुक रखा है, ये पेपर वेट है, ये पेन बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स, पेन पेंसिल यहाँ पे रहती है मेरी, मुझे कुछ लिखना रहता है तो मैं इसी में लिखती हूँ। ये पेन बॉक्स है, मैं ये उडन की है, उडन पे इसमें आर्ट बनाया हुआ है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये मैं गई थी कहीं तो मैंने वहाँ से परचेस किया था, ये मुझे बहुत पसंद है, ये देखें, ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, बहुत अच्छा है ये। और ये रहा मेरा पूरा कंप्लीट सेटअप, ये देखिए, ये यहाँ से ऐसा दिखता है। घर में एक कोने में अपना सेटअप तो होना ही चाहिए, जहाँ आपको बैठ के बहुत अच्छा लगे। यहाँ पे कुछ बुक्स भी रखी हैं, मुझे पहले बुक्स रीड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैं एक बुक आज तक कभी पढ़ी नहीं पाती थी, मुझसे होता नहीं था, बट अब मैं विदाउट बुक रीड रह नहीं पाती हूँ, मुझे अब बुक रीड करना बहुत ही पसंद है। तो मैं अब, मेरे पास हमेशा बुक्स मिलते हैं, अभी यहाँ पे तो कम बुक्स रखी हैं, सेल्फ में और ज़्यादा बुक्स हैं। और ये रहा यहाँ पर, ये एक्यूप्रेशर फूट मैट है, इसकी वीडियो भी मैंने डाली है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ बैठती हूँ, काफ़ी टाइम तक बैठती हूँ तो पैर में स्वेलिंग ना हो, इस वजह से मैं इसे भी यूज़ करती रहती हूँ, ये काफ़ी अच्छा है, ये बहुत ही हेल्पफुल है लॉन्ग टाइम बैठने के लिए, इसे यूज़ करना चाहिए हमें, ये बहुत ही अच्छा है। बाय द वे, मैं बताना भूल गई, मुझे कैंडल्स बहुत पसंद हैं, तो मैं अभी यहाँ कैंडल रखी है, तो मैं इसे अब जला के दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा आता है इसका लुक, उसके बाद में देखिएगा ये कैसा दिखता है, फिर आप ही लोग बताएं मुझे ये कैसा लगा आप लोगों को, आइए देखते हैं। देखें ये रहा, मैं ऐसे भी काम करती हूँ, मुझे ये बहुत पीसफुल लगता है, मुझे ऐसे काम करना बहुत पसंद है, मुझे कैंडल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बेहद पसंद है। मेरे पास और भी कैंडल्स हैं, बट फ़िलहाल मैंने इसे ही यहाँ पे सेट किया है, क्योंकि ये मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और ऐसे मैं काम करती हूँ अपने चैनल पे, और मैं अपना सारा काम करती हूँ यहाँ पे, फिर ऐसे बैठ के कैंडल में, और मैं चॉकलेट खाती हूँ, ड्रिंक लेती हूँ अपनी, हेल्दी ड्रिंक्स,
पानी पीती हूँ, यहाँ पे सब करती हूँ मैं बैठ के। मैं ऑलमोस्ट दिन में 4-5 लीटर पानी पी लेती हूँ, क्योंकि हाइड्रेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कैंडल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी माइंड बहुत पॉजिटिव रहती है इससे, मुझे बहुत पसंद है ये, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ऐसे बैठ के काम करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं बहुत खुश रहती हूँ ऐसे काम करके। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं मेरा ये छोटा सा स्मॉल बजट फ्रेंडली सेटअप आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो ये बहुत खुशी देता है, मुझे बहुत पसंद है ये, लेकिन आप लोग बताना ना भूलें आप लोगों को। अभी मैंने थोड़ा बहुत ही बताया है, मैं इसके डिटेल वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत है, बट मेरे पास नहीं है, मैं उसे परचेस करने वाली हूँ और भी कुछ। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी और सबकी डिटेल्स में सब बताऊंगी आप लोगों को, मैंने कहाँ से क्या परचेस किया है, मैंने कैसे लिया है, नहीं लिया है, क्या कितने का आएगा, और पूरा होल सेटअप मैं फिर डिटेल्स में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल जल्दी जल्दी में मैं इतना ही कर पाई हूँ, इसीलिए मैं इतना शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। इसके आगे का मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, वो भी डिटेल्स में सारा। खुद को पैम्पर करना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं इन तरीक़ों से खुद को पैम्पर करती हूँ, मैं खुद को खुश करती हूँ इन तरीक़ों से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद को खुश करना, खुद को पैम्पर करना। खुद को पैम्पर करना चाहिए, ये बहुत अच्छा लग। अपनी खुशी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ, और अपनी खुशियों का ख्याल रखना ये हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है, किसी और की नहीं। कैंडल्स जला के मैं लाइट ऑफ करके भी काम करती हूँ और लाइट ऑन के भी करके भी काम करती हूँ, जैसा मूड रहता है मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। वैसे लाइट ऑन करके भी ये बहुत ही खूबसूरत रहता है, ये बहुत ही पीसफुल रहता है माइंड के लिए, ये बहुत अच्छा रहता है। और फ्लावर्स के बारे में मैं बताना भूल गई, फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद है, ये सारी मेरी पसंद की चीज़ें हैं जो मुझे बहुत सुकून देती हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा सुकून देती हैं। मैं इससे बहुत खुश रहती हूँ, इन चीज़ों को अपने आसपास देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं अपने पसंद की और चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और इन सब के बारे में मैं आप लोगों के साथ और भी ज़्यादा डिटेल्स में सब कुछ शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये छोटा सा प्यारा सा सेटअप पसंद आया हो, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत कुछ है।